रुक करते हैं खबर एक्सप्रेस की ओर। आतंकवादी धमकियों के बीच सोमवार को जम्मू कश्मीर में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। अलगाववादियों के बंद की घोषणा को देखते हुए वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में करीब एक दर्जन जिलों के 422 वार्डो में मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। पहले चरण में 1284 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में जम्मू के 247 वार्ड, कश्मीर में 149 और लद्दाख के 26 वार्डो में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के बाद 10 अक्टूबर को दूसरे चरण में 384 वार्ड, तीसरे चरण में 13 अक्टूबर को 207 वार्ड और 16 अक्टूबर को आखिरी चरण में 132 वार्डो में वोट डाले जाएंगे। मतगणना 20 अक्टूबर को होगी। रूस के साथ S-400 सौदे को लेकर अमेरिकी पाबंदी के बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रविवार को कहा कि भारत स्वतंत्र नीति पर चलता है और वे रूस से कामोव हेलीकॉप्टर व अन्य हथियार प्रणाली प्राप्त करने को इच्छुक है। लोकसभा चुनाव 2019 के नजदीक आने के साथ ही राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2019 से पहले अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं होता तो वे बीजेपी को छोड़ देंगे। पीजीआई रोहतक के भ्रष्टाचार का मामला सीएम खट्टर तक पहुंच चुका है। खुद को बेगुनाह बताकर निलंबित डॉक्टर्स ने सीएम से मुलाकात की। डॉक्टर नित्यानंद ने विरोधी डॉक्टरों पर साजिश रचने का आरोप लगाया लेकिन सीएम ने डॉक्टरों की कोई दलील नहीं सुनी। सीएम खट्टर ने कहा कि क्या पत्र पर आपके दस्तखत नहीं थे। डॉक्टर ने बताया मामला 2013 का है इसलिए ज्यादा याद नहीं है। सीएम ने कहा कि मामला कितना ही पुराना हो भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि जांच कर रहे हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र में एक रेप पीड़िता महिला आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दर दर भटक रही है लेकिन अभी तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला है। पीड़िता मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश भी कर चुकी है लेकिन उसे सुरक्षाकर्मियों ने मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया। वहीं अब पीड़िता ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने नूह का दौरा किया। इस दौरान करण सिंह दलाल ने बीजेपी और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। दलाल ने दावा किया कि देश में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। इनेलो पर निशाना साधते हुए करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि अपने परिवार के लोगों को जेल से छुड़वाने और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अभय चौटाला बीजेपी का तोता बने हुए हैं। दलाल ने बीएसपी और इनेलो गठबंधन को छलावा करार देते हुए कहा कि इनेलो का असली गठबंधन तो बीजेपी से है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए दलाल ने कहा कि सरकार ने आरएसएस के लोगों को डीसी और एसपी जैसे बड़े अफसरों के ऊपर बैठाकर अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीकर की पदयात्रा को गुहला चीका में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला बनेड़ा का है जहां पर विधायक की पदयात्रा पहुंचने पर लोगों ने विधायक पर हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि इस हमले में विधायक बाल बाल बच गए और मौके से भागकर अपनी जान बचाई। हमले में विधायक के मौसेरे भाई रतन और एक कार्यकर्ता को चोट आई है। हमले में विधायक की गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक विधायक की पदयात्रा जब गांव बनेड़ा में पहुंची तो कुछ युवाओं ने विधायक से गांव में जिम खुलवाने का आग्रह किया लेकिन विधायक ने मांग को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि सरकार की ऐसी कोई भी नीति नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता देवीलाल की 105वीं जयंती पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद मायावती देश के प्रधानमंत्री बने। चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता इस काम में जुट गए हैं। मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम विपक्षी दलों से बातचीत की जा रही है। चौटाला पैरोल पर 2 सप्ताह के लिए जेल से बाहर निकले हैं। वे शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 10 साल की कैद काट रहे हैं। करीब 4 साल बाद बड़े सार्वजनिक मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से हुंकार भरते हुए चौटाला ने एक बार फिर कहा कि अगर पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी देना गुनाह है तो वे ऐसा गुनाह बार बार करेंगे चाहे उसके लिए उन्हें फांसी क्यों न चढ़ानी पड़े। वहीं मंच पर भाषण शुरू करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि दोबारा जेल जाने से पहले ऐसा प्रबंध करना चाहूंगा कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, गरीब आदमी की बीमारी का समुचित इलाज किया जाए। चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने साजिश के तहत मुझे जेल भिजवाने का काम किया है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नैलो की गोहाना रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नैलो आपसी कलह से जूझ रही है और पीएम को चैलेंज कर रही है। ऐसा करने से पहले दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला को पहले अपने कद और अपने पद पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि जो किसान और मजदूर उनके कार्यकाल में खुशहाल और समृद्ध था, आज खून के आंसू रो रहा है। किसान और मजदूर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि प्रदेश के अनुभवहीन सरकार किसान को समाप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियों से मिलीभगत कर किसानों का करोड़ों रुपया हड़पा गया। 9 अक्टूबर को सापला में पीएम मोदी की रैली होने वाली है और जिसके मद्देनजर रैली स्थल का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी और रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला भी रखी जाएगी। अंबाला कैंट के बीपीएस प्लेनेटेरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तरीय सफल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। विज ने कहा कि जो काम देश के पहले प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वे काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के महागठबंधन पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि ये बेमेल टुकड़ों का गठबंधन है। देश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके अंदर अपनी मम्मी का डीएनए है। राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे देश की जनता आहत है। महम के अनाज मंडी में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की रैली का आयोजन किया गया। रैली में सांसद राजकुमार सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सैनी ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सैनी ने कहा कि उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वो प्रदेश का सीएम बने तो सबसे पहले हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार देंगे। करनाल में राइस मिलर्स ने खाद्य आपूर्ति मंत्री करणदेव कंबोज के साथ एक अहम बैठक की। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के राइस मिलर्स और आढ़ती हड़ताल पर थे, जिसके चलते मंडियों में धान की खरीद नहीं हो रही थी, जिसको लेकर मंत्री करणदेव कंबोज ने उनकी मांगों पर विचार कर उसे पूरा करने का आश्वासन दिया है। सिरसा के रानिया के खारिया गांव में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद काणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस चैंपियनशिप में हरियाणा के करीब 340 से ज्यादा मुक्केबाजों ने भाग लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद काणा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए आयोजकों को धन्यवाद दिया और खिलाड़ियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में गोविंद काणा ने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे से दूर किया जा सकता है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यमुनानगर की महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल सभा, युवा मंच और महिला संगठन के संयुक्त तत्वावधान में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के महिला बाल विकास एवं स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। रोहतक पीजीआई में 3 अक्टूबर से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पीजीआई प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद फिलहाल खत्म हो गई है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर जंगवीर ने कहा कि फिलहाल पीजीआई प्रशासन और अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है। डॉक्टर जंगवीर ने कहा कि 10 दिनों में मांगें पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 20 दिनों तक मांगें पूरी नहीं की गई तो सभी रेजिडेंट डॉक्टर 1 नवम्बर से दोबारा हड़ताल कर सकते हैं। बल्लभगढ़ के चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर इस दुकान से लाखों का सामान ले उड़े। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार का कहना है कि दुकान से करीब 35,000 की नकदी और मोबाइल चोरी हुए हैं। बल्लभगढ़ फ्लाईओवर के पास एक बस चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर शव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल भिजवाया। नरवारा में अपराधियों ने सरेआम एक युवक चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
राजधानी में सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 21 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम 82.03 रुपए हो गए हैं। वहीं डीजल की कीमतों में 29 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद डीजल के दाम 73.82 रुपए हो गए हैं। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखने को मिली। बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87.50 रुपए हो गए। वहीं डीजल की कीमतों में 31 पैसे की वृद्धि देखी गई, जिसके बाद डीजल की कीमतें 77.37 रुपए प्रति लीटर हो गई है। भारत ने रविवार को श्रीलंका को 144 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने छठी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 304 रन को मजबूत स्कोर बनाया और फिर श्रीलंका को 38.4 ओवर में 160 रन पर ढेर कर खिताब अपने नाम किया। भारत की ओर से जायसवाल ने 113 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अलावा कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने 37 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 65 रन बनाए और आयुष बदोनी ने 28 गेंदों पर नाबाद 52 रन की तूफानी पारी ने जीत में अपना योगदान दिया। पृथ्वी शॉ भारत की तरफ से पदार्पण मैच पर शतक जड़कर अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरे, लेकिन पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि विदेशों की कड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इस किशोर बल्लेबाज को अपनी तकनीकी में और सुधार करने की जरूरत है। अर्जुन तेंदुलकर की धारदार गेंदबाजी की बदौलत मुंबई ने गुजरात को अंडर 19 वीणु माकन ट्रॉफी में 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी कर रही गुजरात की टीम अर्जुन की गेंदों का सामना करने में पूरी तरह से विफल रही और 49 ओवरों में केवल 142 रन ही बना सके। अर्जुन ने 8 ओवर 2 गेंद में केवल 30 रन देकर 5 विकेट झटके। इस बेहतरीन प्रदर्शन से पहले अर्जुन इस साल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके थे। जुलाई में हुए श्रीलंका अंडर 19 टूर में अर्जुन ने मात्र 14 रन बनाए थे और 3 विकेट हासिल किए थे, लेकिन गुजरात के विरुद्ध ऐसी गेंदबाजी करके उन्होंने अपने आलोचकों को शांत कर दिया। श्रीराम राघवन की थ्रिलर फिल्म अंधाधुन ने पहले दिन खराब शुरुआत के बाद दूसरे दिन अच्छी शुरुआत करते हुए 5 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसके बाद दोनों दिन को मिलाकर फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का मामला और पेचीदा होता जा रहा है। जहां एक तरफ तनुश्री अपनी बात पर अडिग है और इंसाफ चाहती है, वहीं नाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने सफाई दी है कि तनु मेरी बेटी से भी छोटी है। शुक्रवार को रिलीज हुई वेनम ने 2 दिनों में 9.5 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। फिल्म ने शुक्रवार को 4 करोड़ की ओपनिंग की, वहीं दूसरे दिन शनिवार को 5.5 करोड़ की कमाई कर फिल्म लवयात्री और अंधाधुन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।